हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक निबंध को, और ये निबंध होगा एक देश एक चुनाव पर। ठीक है, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसको आप जो तैयार करिए एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एंड अदर एग्जाम्स के लिए, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, और इसकी लेटर की प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो, जितने इंपॉर्टेंट पत्र हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं, इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशियंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से दो बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए। तो कैसे बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करोगे इस टॉपिक को, आप ये देख लेते हैं। शुरुआत कैसे करनी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव 5 साल के अंतराल पर होते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि भारत में चुनाव एक लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में भारत। और जो यहाँ पर चुनाव होते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के, जो आम चुनाव होते हैं वो 5 साल के अंतराल में होते हैं, यानी 5 साल के गैप पर होते हैं, राइट। लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि जो चुनाव होते हैं ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइप चुनाव लगभग होते ही रहते हैं, कहीं किसी स्टेट्स के चुनाव चल रहे हैं तो कहीं जो है यहाँ पर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो काफ़ी यहाँ पर टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते रहते हैं, जो कि एक तरह से गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव में पैसा भी खर्च होता है और टाइम भी। तो इस तरह से इस मुसीबत को या कह सकते इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए बेसिकली एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, एक बेसिकली जो है एक चुनाव एक देश एक चुनाव का, राइट। विभिन्न चुनावों के संचालन पर सरकार बहुत पैसा समय और ऊर्जा खर्च करती है, ठीक है, यानी जो अलग अलग चुनाव होते हैं उसमें सरकार का काफ़ी सारा पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है, और साथ ही साथ ऊर्जा यानी एनर्जी भी वेस्ट होती है, राइट। यही कारण है कि भारत सरकार वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली के बारे में विचार कर रही है, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो है एक तरह से विचार किया जा रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, उस टॉपिक को यहाँ पर बता सकते हो कि किस बारे में है और क्यों उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा जा रहा है, क्यों उसकी शुरुआत की जा रही है, राइट। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 5 साल के अंतराल पर होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ राज्यों में अलग अलग राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होते हैं, मतलब होते रहते हैं, जो सरकारी खजाने पर काफ़ी बोझ डालते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कह सकते हो कि नॉर्मली क्या होता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो आम चुनाव हो 5 साल के अंतराल पर होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ राज्यों में अलग अलग जो हैं राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हैं वो होते रहते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो सरकारी खजाना है इस पर भी काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ता है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ता है, राइट। तो अब सरकार 5 साल के अंतराल में पूरे देश में सिर्फ एक चुनाव के लिए विचार कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा चुनाव खर्च पार्टी खर्च आदि को कम करने में मदद कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो नॉर्मली जो है अभी क्या सरकार सोच रही है कि 5 साल में के अंतराल में पूरे देश में एक चुनाव हो, ठीक है, एक ही चुनाव हो, उसी से सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आए। और यहाँ पर ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है इसकी, इससे क्या होगा कि चुनाव का खर्च भी कम होगा, जो पार्टी का खर्च है वो भी कम होगा, और एक तरह से जो अदर एक्सपेंसेस है इससे रिलेटेड वो उन सभी में कमी आएगी। तो एक तरह से कह सकते हो जो पब्लिक मनी है, जो सरकारी पैसा है, वो उसकी बचत होगी, साथ ही साथ टाइम भी बचेगा, और लोगों को बेहतर तरीके से
जो पॉलिसीज और प्लान्स है उसके बारे में पता चल सकेगा, जो गवर्नमेंट क्या बेसिकली प्रॉमिस कर रही है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, राइट। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर सिंप्लीफाइड हो जाएंगी इसको लेकर के, राइट। आगे मूव करते हैं, यह सरकारी धन की बचत करेगा, प्रशासनिक सेटअप और सुरक्षा बलों पर बोझ को कम करेगा, सरकार की नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशासनिक मशीनरी विकासात्मक गतिविधियों में लगी रहे, ठीक है। आप देखो इससे कई सारे फायदे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के आने से क्या क्या होगा, पहली चीज़ तो धन की बचत होगी, जो सरकारी पैसा है वो बचेगा, प्रशासनिक सेटअप और सुरक्षा बलों पर जो बोझ है वो भी कम होगा, ठीक है। प्रशासनिक सेटअप काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है इलेक्शन कराने के लिए, साथ ही साथ सुरक्षा बलों पर भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मा बढ़ जाता है, राइट। इसके साथ ही साथ सरकार की नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा इससे, ठीक है। जो नीतियां हैं सरकार की, जो पॉलिसीज हैं, उनको सही टाइम पर उनका एग्जीक्यूशन हो पाएगा और साथ ही साथ ये जो प्रशासनिक मशीनरी है वो विकासात्मक गतिविधियों में लगी रहेगी, ठीक है। जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उसमें इंडल रहेगी, राइट। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, मतदाता सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर दोनों पर निर्धारित कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि जो मतदाता है, जो वोटर्स हैं, वो सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है, और उनको राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर, ठीक है, यानी स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर दोनों पर ही वो डिटरमाइन कर पाएंगे कि क्या क्या बेसिकली सरकार ने किया है, ठीक है। इसके अलावा मतदाताओं के लिए यह निर्धारित करना आसान होगा कि किस राजनीतिक दल ने जो वादा किया उसे वास्तव में और कैसे लागू किया, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, उनको भी बेसिकली जो चीज़ें हैं उनके लिए सिंप्लीफाइड हो जाएगी, उनको पता रहेगा कि कौन सी पार्टी ने क्या वादे किए थे और उसको कहाँ तक उसको लागू किया गया, उसको कहाँ तक पूरा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप बता सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एक तरह से, राइट। इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग, यह देखा गया है कि राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव विभिन्न मुद्दों पर लड़े जाते हैं। अब आप यहाँ पर इसके कुछ ड्रॉबैक बता सकते हो कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने से क्या ड्रॉबैक हो सकता है, इसका क्या बेसिकली यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, जो दल हैं अलग अलग राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के जो चुनाव उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली देखा गया है कि राज्य की जो विधानसभाएं और लोकसभाएं इनके चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, विभिन्न होते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों को लक्ष्य बनाकर चुनाव लड़ते हैं, जबकि राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय मुद्दों को लक्ष्य बनाकर, ठीक है। यानी कि जो जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो रीजनल यानी स्थानीय मुद्दों को उठाती हैं, ठीक है। जो लोकल यहाँ पर जो मुद्दे हैं उनको उठाती हैं, जबकि जो राष्ट्रीय दल होते हैं, जो राष्ट्रीय पार्टीज होती हैं, जो राष्ट्रीय बेसिकली दल होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों को उठाएंगे, नेशनल लेवल जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे, राइट। उन्हीं को लेकर के बेसिकली चुनाव लड़ते हैं। तो क्षेत्रीय दल चुनाव खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो क्षेत्रीय दल होंगे वो बेसिकली जो राष्ट्रीय दल हैं उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, राइट। तो देश को एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत है या नहीं, इस पर आम सहमति बनाने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि राष्ट्र में सच में जरूरत है कि नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट की एक राष्ट्र एक चुनाव की सच में जरूरत है या नहीं, इस पर सबसे पहले सहमति बने। सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर बहस करने में सहयोग करना चाहिए, जनता की राय को ध्यान में रखकर फिर बहस के परिणाम का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जनता की राय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और उसके बाद जो डिबेट का आउटकम आता है, जो परिणाम आता है, उसको उसका पालन करना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको कॉन्सेप्ट के बारे में बता सकते हो और यहाँ पर आप इस तरह से इसको एंड कर सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से। इसी तरह से आप बाकी की प्लेलिस्ट देख लेना, यहाँ पर ये हिंदी इंग्लिश और लेटर की प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हो। ये सारे ही टॉपिक्स मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ आपको रेगुलर बेसिस पे, इनको आप देखिए। एप्लीकेशन और प्रेसिक्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हो। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर भी आप इनको वॉच कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो।
राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। राइट, और इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।